अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो यार जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को जीटी ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, और तुम लोगों को कुछ पहले से ही पता होगी और कुछ मेरी वीडियो देखने के बाद भी पता चली होगी। लेकिन आज मैं तुम लोगों को 10 ऐसी कुछ डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि रॉकस्टार वाले डिटेल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमने इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा डिटेल्स देखने को मिली है, और ऐसी ही कुछ 10 डिटेल्स के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो कि इस ट्रेलर में मिली है। तुम लोग ये समझ सकते हो कि भाई आज हम इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहली डिटेल, बिल्डिंग्स। भाई अगर तुम लोगों को पता होगा कि भाई बिल्डिंग्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि टेक्सचर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत कर दिए जाएंगे, और अगर तुम लोग ये वाली फुटेज देखते हो जीटी वाई सिटी की, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई बिल्डिंग्स के ऊपर कितना ज्यादा वर्क किया गया। अगर तुम लोग पहली वाली फुटेज देखते हो ये वाली, तो तुम लोगों को बिल्डिंग्स इतनी खास नहीं लगेंगी। अगर तुम लोग अगली फुटेज देखते हो डेफिनेटिव एडिशन वाली, तो तुम लोग देखोगे कि भाई बिल्डिंग्स के टेक्सचर्स को कितना खूबसूरत कर दिया गया, और उस पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी भी एड कर दी गई है जो कि इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा खूबसूरत करी है। और अगर तुम लोग दूसरी बिल्डिंग्स भी देखते हो, तो भाई इनके टेक्सचर्स भी इतनी दूर से इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो तुम लोग सोच सकते हो जब हमें गेम प्लेस देखने को मिलेंगे या जब हम गेम खुद देखेंगे या खेलेंगे, तो हमें ये बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत लगेंगी और इनके टेक्सचर्स कितने ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। यानी कि रॉकस्टार वालों ने बिल्डिंग्स पर बहुत ज्यादा वर्क किया है। अगली जो डिटेल है वो है फिंगर्स। अगर तुम लोग यार पहले वाली जीटीए वगैरह खेलोगे, GTA 3, GTA Vice City या GTA San Andreas, तो तुम लोग उसमें देखोगे किसी भी करेक्टर के फिंगर्स को दिखाया नहीं जा रहा, मतलब हाथ है बस फिंगर्स है ही नहीं। तो भाई अगर तुम लोग ये वाली पुरानी वाली फुटेज देखोगे, तो इसमें तो मतलब तुम लोगों को सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आ रहे हैं, फिंगर्स तुम लोगों को नजर नहीं आ रही। बनाने की कोशिश की गई भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब वाली डेफिनेटिव एडिशन में हमें सेपरेटेड फिंगर्स देखने को मिलती है, जैसा कि तुम लोग सिल्वेटोरी लियोनी के हाथ देख सकते हो, और दूसरी फुटेज में ये CJ के भी हाथ देख सकते हो, इसमें भी उसकी सेपरेटेड फिंगर्स हैं। अगली डिटेल के बारे में बात करें तो भाई वो है इंटीरियर डिजाइन। अगर तुम लोग पुरानी फुटेज देखते हो ये वाली, तो इसमें तुम लोगों को इंटीरियर दिख तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ब्लैकिश है। तुम लोगों को अगर बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई डिजाइन बने हुए हैं लेकिन नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। लेकिन अगर तुम लोग डेफिनेटिव एडिशन वाली फुटेज देखोगे ना, तो तुम लोगों को देखते साथ ही डिजाइन नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार जो टाइल्स लगी हुई है ना, उसको पॉलिश कर दिया गया और उसको बिल्कुल न्यू कर दिया गया, इतनी ज्यादा खूबसूरत कर दिया गया। और ऊपर जो हैंडल्स लगे हुए हैं कैबिनेट के, वो पहली वाली फुटेज में तो बिल्कुल मतलब ऐसे थे जैसे साथ चिपके हुए हैं, लेकिन अब डेफिनेटिव एडिशन वाले में हमें तकरीबन सही लग रहे हैं। मतलब 3D डिजाइन लग रहा है पूरा, ऐसा लग तो रहा है ना कि भाई हम पकड़ के खोल तो सकते हैं ना कैबिनेट्स को, मतलब इंटीरियर डिजाइन को बहुत ज्यादा खूबसूरत कर दिया गया। अगली अगर हम बात करें तो वो है रेलवे ट्रैक्स। अगर तुम लोग पुरानी फुटेज देखते हो, तो भाई तुम लोग देखोगे रेलवे ट्रैक्स को गोल नहीं बनाया गया हुआ, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ डिजाइनिंग ही अलग अलग की गई है। मतलब कि तुम लोगों को कुछ भी चिपका चिपका सा सारा कुछ नजर आ रहा है, और चिपके चिपके में तुम लोगों को गोलाई बिल्कुल भी नजर आ रही। पता नहीं ट्रेन कैसे यहां से मुड़ती होगी, गिरती क्यों नहीं थी GTA 3। लेकिन अगर तुम लोग अगली फुटेज देखोगे डेफिनेटिव एडिशन वाली, तो इसमें तुम लोगों को सारा जो रेलवे ट्रैक है वो 3D टाइप के लगेंगे, मतलब कि फुल उन्होंने वर्क किया गया हुआ है इस पे रेलवे ट्रैक्स पे, और इसमें से ट्रेन बहुत खूबसूरती से मलाई की तरह गुजरेगी और तुम लोगों को देखते हुए भी अच्छा लगेगा। यानी कि छोटी से छोटी डिटेल्स पे काम किया गया। अगर तुम लोग इन दोनों पिक्चर्स को कंपैरिजन देखोगे ना, इन दोनों पिक्चर्स को, तुम लोगों को जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें तो कुछ फर्क नजर ही नहीं आ रहा, इन दो तस्वीरों को देख लो, तुम लोगों को भाई अपने आप आंखें खुल जाएंगी। अगर अगली बात हम करें तो भाई वो है दरख्त। अगर तुम लोग ये वाली फुटेज देखते हो ना डेफिनेटिव एडिशन वाली, तो भाई तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई दरख्तों को कितना ज्यादा खूबसूरत कर दे, मतलब कि यार तुम लोग देखोगे वेजिटेशंस को बहुत ही एंड लेवल का खूबसूरत कर दिया गया। अगर तुम लोग पहली फुटेज देखते हो CJ जहाँ पे खड़ा हुआ है, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि पहली वाली तो ऐसी वेजिटेशन थी जैसे लगता था उड़ी लगी हुई है इन पे। लेकिन अब डेफिनेटिव एडिशन वाली को पता चलता है कि भाई ग्रीनरी को बहुत ज्यादा खूबसूरत कर दिया गया है, और पता चल रहा है कि वेजिटेशंस हैं। और अगर तुम लोग देखोगे वाइस सिटी के जो दरख्त हैं उनको भी बहुत ज्यादा खूबसूरत कर दिया गया, और पता चल रहा है कि भाई डेफिनेटिव एडिशन है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की गई हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ चेंजेस नहीं की गई, हमें कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा, तो भाई तुम लोग अगर ये देखो तो तुम लोगों को पता चलेगा कि कितना ज्यादा वर्क किया गया है इवन वेजिटेशन पर भी। और एक और बात अगर मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि भाई नंबर प्लेट्स, अगर तुम लोग ये वाली तस्वीर देखते हो ना, ये वाली फुटेज देखते हो जीटी वाई सिटी के, जहाँ पे टॉमी वाई सिटी प्लीज चेज में अपनी बाइक भगा रहा है वाई सिटी के सड़कों पे, जहाँ पे हम भी इंशाल्लाह कभी घुमाएंगे, तो भाई तुम लोग देखोगे नंबर प्लेट्स को कितना ज्यादा खूबसूरत कर देगा। अगर तुम लोग पहले वाली गेम्स देखते हो, तो तुम लोगों को नंबर प्लेट्स पे क्या लिखा है, नंबर प्लेट्स तो दिखती है लेकिन नंबर प्लेट्स पे क्या लिखा है ये तुम लोगों को पता नहीं चलता, ना मुझे पता चलता। लेकिन अब जो डेफिनेटिव एडिशन वाला जो भाई उन्होंने पार्ट दिखाया ना, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया हुआ है। तो भाई आगे आ जाता है शेडो। भाई तुम लोग अगर CJ का ये वाला पार्ट देखोगे ना, जहाँ पे वो अपने गैंग के साथ खड़ा हुआ है, तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि CJ का शेडो हमें क्लियरली नजर आ रहा है दीवार के ऊपर, और कितना खूबसूरती से ये डिजाइन किया गया हुआ है। मतलब तुम लोग देख सकते हो छोटे से छोटे डिटेल पर भी काम किया जा रहा है। अगर तुम लोग
यहाँ देखते हो तो भाई यहाँ पर भी शेडोज पर बहुत ज्यादा काम किया गया है इस वाली फुटेज में। तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भाई वर्क किया गया है डेफिनेटिव एडिशन पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को ये लग रहा हो कि भाई वर्क तो किया नहीं गया। तुम लोग मॉडल्स की बात करते हो, अगर तुम लोगों को मैं मॉडल्स और डेफिनेटिव एडिशन के बीच में कंपैरिजन बताना शुरू कर दूं ना, तो तुम लोग वाकई ये कह दो कि भाई इस पे वर्क किया गया है। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं इस बारे में भी वीडियो बना दूंगा। दूसरा, अगर तुम लोग देखते हो कि भाई कार रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा खूबसूरत कर दी गई है, अगर तुम लोग चाहे ये वाली फुटेज देख लो या ये वाली फुटेज देख लो, तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि पहली वाली GTS में हमें कार रिफ्लेक्शन तो बड़े नाम देखने को मिलते थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो भाई हमें क्लियरली कार रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। और ये ऐसी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी छोटी से छोटी डिटेल्स पर काम किया जा रहा है। और अगर तुम लोग ये वाली फुटेज देखते हो, तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि पूरी बिल्डिंग्स की जो रिफ्लेक्शन है वो गाड़ी के डोर्स पर आ रही है। आगे आ जाता है भाई वाटर। अगर तुम लोग देखते हो GT Vice City का ये वाला फुटेज या ये वाला फुटेज देखते हो जहाँ पर CJ बोट को चला रहा है, तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो अगर हम पहले वाली फुटेज के साथ कंपैरिजन करें तो भाई जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब कि ये तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई काम किया ही नहीं गया। काम इतना ज्यादा किया गया है इन वाली फुटेज में। अगर तुम लोग देखो भाई पानी पर इतना ज्यादा वर्क किया गया है, ये वाली फुटेज देख लो GT Vice City की या CJ वाली फुटेज देख लो, तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भाई वाटर पर काम किया गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार क्लॉड या टॉमी वर्सिटी पानी में सकते हैं नहीं तैर सकते, लेकिन हम ये क्लियरली कह सकते हैं पानी पर भी बहुत ज्यादा वर्क किया गया है। आखिरी बात जो कि यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो है लाइटिंग्स। अगर तुम लोग यार GTA 3 की ये वाली फुटेज देखते हो तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो क्लॉड की गाड़ी के बोनट पर तुम लोगों को सिग्नल की लाइट नजर आ रही है। मतलब तुम लोग इंतहा देख रहे हो डिटेलिंग की, इतनी ज्यादा डिटेलिंग है कि सिग्नल की लाइट नजर आ रही है। ये रेड जो तुम लोगों को नजर आ रही है सिग्नल की लाइट है। और तुम लोग दूसरी चीज ये देखो कि भाई गाड़ियों की लाइट जो है वो हमें जमीन पर पड़ती नजर आ रही है और इतनी क्लियरली नजर आ रही है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लाइटिंग कर दी है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। अगर तुम लोग ये वाली फुटेज देख लो या चाहे ये वाली फुटेज देख लो, तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि भाई लाइटिंग को इतना खूबसूरत कर दिया गया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, यही वाली वीडियो थी जो मैं तुम लोगों के लिए बनाना चाह रहा था। मुझे कोई वीडियो सजेस्ट कर दिया करो, कोई गेम सजेस्ट कर दिया करो, मैं यार मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक मजे के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।